Hi guys and welcome back to my channel Vivia's Vlogs. I am Vinnie Wetsing and I make videos related to beauty, fashion, travel, lifestyle and many more other things. So before this video starts, please do take out a minute and subscribe to my channel. Right now I am into my 35th week. Almost 10 days में मेरे को 9th month लगने वाला है और baby अभी कभी भी आ सकता है. I know मैंने अपनी जो pregnancy video last share करी थी आप लोगों के साथ वो मेरा 12th week का update था. उसके बाद से अभी तक मैंने कोई भी pregnancy video share नहीं करी. मेरा मन तो बहुत था इस बार कि मैं अपनी सारे trimesters की और जो भी वीक्स के अपडेट्स होते हैं या फिर अल्ट्रासाउंड के अपडेट्स होते हैं वो आपके साथ शेयर करती, बट कुछ सिचुएशंस ऐसी बन गई थी जिस वजह से मैं वीडियो नहीं बना पाई. बट उसका पूरा मैं एक अलग से वीडियो बनाने वाली हूँ जो जल्दी आप लोग देखोगे. अभी आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ कि मैंने अपने होने वाले न्यूबॉर्न के लिए क्या क्या एसेंशियल्स खरीदे हैं. हो सकता है कि ये वीडियो काफ़ी लंबी हो तो यू कैन ग्रैब अ कप ऑफ कॉफ़ी एंड सिट. जो भी वुड बी मॉम्स है या पेरेंट्स है उनको ये वीडियो काफ़ी काम की लगेगी आई एम श्योर, क्योंकि मैं अपने कई सारे पॉइंट्स इसमें रखने वाली हूँ कि मैंने ये चीज़ें क्यों ली. सो सबसे पहला प्रोडक्ट जो आप लोगों के साथ मैं शेयर करने वाली हूँ वो ये है डॉट मॉम का हुडेड टावल. इस पर सब लिखा हुआ है कि हाइपो एलर्जिक है, एंटी बैक्टीरियल, सुपर अब्सॉर्बेंट, परफेक्ट फॉर स्किन, प्रीमियम क्वालिटी, अल्ट्रा सॉफ्ट एंड इट लुक्स लाइक दिस. ये पांडा वाला मैंने मंगाया है और काफ़ी बड़ा टाल है, काफ़ी बड़ा टाइम तक चलेगा ये टाल. ये इस टाइप से वाइट टाल है और बहुत ही सॉफ्ट है, जैसे इसमें लिखा होता है कि सिल्क सॉफ्ट है ये. तो नेक्स्ट प्रोडक्ट इज़ अगेन फ्रॉम डॉट मॉम. ये वीडियो बिल्कुल भी स्पॉन्सर्ड नहीं है, मैंने बहुत सारी वीडियोज़ देखकर, रिव्यूज़ देखकर ये सब चीज़ें मंगाई हैं. तो ये इसके अंदर स्वेडल क्लोथ्स हैं जो जैसे बेबी होता है तो उसको थोड़ा स्टार्टलिंग की दिक्कत होती है एक दो महीने, मतलब जैसे बेबी वूम के अंदर होता है तो बेबी के हाथ पर ऐसे बंधे हुए होते हैं, बट जैसे बेबी बाहर आते हैं उनके हाथ पैर खुल जाते हैं तो वो किसी भी छोटी छोटी नॉइज़ से बच्चा डर जाता है, फिर स्लीप से उठ जाता है. तो इसलिए हम शुरू के एक दो महीने बेबीज़ को बांधते हैं, विच इज़ रिकमेंडेड बाई डॉक्टर्स ऑल्सो. तो ये मैंने स्वेडल क्लोथ मंगाए हैं. खरीदे के टाइम मैं ओल्ड कॉटन चुन्नी यूज़ करती थी, आप वो भी यूज़ कर सकते हो, मैंने वो भी रखी हुई है. ऐसे कलर के तीन क्लोथ्स हैं इसके अंदर. तो पहला वॉश क्लोथ कुछ इस टाइप का है, पिंक कलर का, जिसके ऊपर ऐसे फ्लेमिंगो बने हुए हैं पिंक कलर के, कुछ इस तरीके का है ये. मुझे कलर्स बहुत अच्छे लगे थे एंड ये भी बहुत ही सॉफ्ट है. एंड इसके बाद ये मैंने एक वाइट कलर का मंगाया था जिसपे ऐसे एलिफेंट बने हुए हैं ग्रे और ग्रीन कलर के, ये भी काफ़ी सॉफ्ट है और देख सकते हैं आप कितना सॉफ्ट है ये. और लास्ट मैंने मंगाया था कुछ अगेन वाइट उसमें ही, क्योंकि आपको पता नहीं होता इंडिया में कि क्या होने वाला है, बॉय और गर्ल दोनों के हिसाब से मैंने मंगाया था. ऑब्वियसली वो पिंक वाला थोड़ा गर्लिश है, ऐसा प्रिंट है इसके ऊपर ये बियर वाला. कभी कभी आप जैसे बेबी को नहला के लेके आते हो तो आप टाल में लेके आ रहे हो एंड देन आते ही बेबी को ड्राई करने के बाद इस टाइप के स्वेटर क्लोथ्स में रख सकते हो. तो अभी मैं अपनी नीस के साथ यही करी थी, हम दो चीज़ें यूज़ करते थे टाल में, बेबी को लेके आते थे पहुँच कर जल्दी से, फिर स्वेटर क्लोथ में उसको रैप कर देते थे क्योंकि लोशंस लगाने होते हैं, सौ चीज़ें लगानी होती, तब तक बच्चा वो गीले टॉवल में रहे उससे अच्छा ये स्वेटर क्लोथ्स बहुत अच्छे काम आते हैं. सो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट प्रोडक्ट विच इज़ अ ब्लैंकेट. तो ये ब्लैंकेट मैंने मंगाया है प्लम बनी ब्रांड से, जिसकी रिव्यूज़ मैं अगेन बहुत ज़्यादा सुन रही हूँ. और ये भी मैंने यूनिसेक्स ही मंगाया है, जैसे कि आप देख सकते हो कुछ इस टाइप का प्रिंट है इस पर, बट इसका जो साइज़ है वो सिर्फ न्यूबॉर्न लाया की है और ऐसे रेनबोज बने हुए हैं इस पर और बहुत अल्ट्रा सॉफ्ट है, बहुत ही अच्छा है, इसकी जो क्वालिटी है बहुत अच्छी है, आई एम लविंग इट ऑलरेडी. सो नेक्स्ट प्रोडक्ट अगेन मैंने प्लम बनी से ही मंगाया है जो कि ये मस्टर्ड पिलो है. आप इसका प्रिंट देख सकते हैं, स्टारी स्टारी टाइप का प्रिंट है, इसके अंदर मस्टर्ड है. और खरीदे के टाइम तो मैंने खुद ही अपने घर से पिलो कवर लेकर और उसके अंदर मस्टर्ड्स धो के सुखा के एंड देन डाला था ऐसे करके, मैंने खुद उसके लिए मस्टर्ड पिलो बनाया था. बट इस टाइम मैं बहुत ज़्यादा बिजी थी पिछले कुछ महीनों से एंड आजकल रेडीमेड मिल भी जाता है, आज से 5 साल पहले मेरे को शायद ऐसी चीज़ें मिली भी नहीं थी इसलिए मैंने खुद की थी. बट इस बार ही मैंने प्लम बनी ब्रांड से ये मस्टर्ड पिलो रेडीमेड मंगवाया है. मूविंग ऑन टू नेक्स्ट प्रोडक्ट विच इज़ दिस. ये फोर इस टाइप के वॉश क्लोथ्स हैं, हेबर कंपनी है, एक वहाँ से हैं. इस टाइप के वॉश क्लोथ्स मैंने इसलिए मंगाए थे क्योंकि हमें बेबी का जो टंग है वो क्लीन करना होता है. खरीदे के टाइम भी मैंने वाइट कलर के ऐसे हैंकीज लिए थे जिसपे हमें एटलीस्ट दिख सकता है कि कोई थ्रेड नहीं है या कुछ भी हम बेबी के मुंह में डालते हैं तो एक बार हमें देखना होता है कि वो कहीं गंदा तो नहीं है. तो वाइट कलर भी बहुत ईजिली विजिबल होता है इसलिए मैंने ये मंगाए थे. और ये कुछ इस टाइप का मुझे लग रहा था कि ये थोड़ा बड़ा आएगा बट ये इस साइज़ में है और फोर हैं ये.
और इसके साथ साथ क्योंकि अभी नीस मेरी मेरे साथ ही रह रही थी, उसके भी वॉश क्लोथ्स मुझे बहुत अच्छे लगे थे, तो मैंने मेरे सिस्टर इन लॉ को बोला था, तो उसने भी मेरे लिए कुछ वॉश क्लोथ्स ऑर्डर करे जो कि लव लैब कंपनी के हैं और जो अगेन वही हैंकी साइज के ही हैं एंड कुछ थोड़े बहुत प्रिंट वाले हैं. सो इसके अंदर 6 वॉश क्लोथ्स हैं. यू नो बेबी शुरू में बेबी के मुँह में लार आ जाता है, कभी बेबी स्पिट अप करता है, तो ये वॉश क्लोथ्स बहुत काम आते हैं, मेरी नीज़ के भी बहुत काम आए थे. इसके बाद मेरे पास बर्फ क्लोथ्स हैं, वो इस टाइप के हैं, ये मसलिन बर्फ क्लोथ्स हैं. जैसे हम बेबी को शोल्डर पे बर्फ कराते हैं तो बेबी स्पिट अप करे उसके लिए यूज़ कर सकते हैं हम. अदरवाइज जैसे मैंने जो अभी टब लिया हुआ है तो उस टब पे भी यू नो वो स्लांट वाला स्लाइड लगा हुआ है, तो उस मसलिन क्लोथ है उसको रख कर और फिर बेबी को आराम से हम नहला सकते हैं ताकि यू नो बेबी थोड़ा ठंडा फील ना करे, क्योंकि यहाँ पे अभी जल्दी ही मानसून शुरू होने वाला है तो थोड़ा सा मौसम ऐसा ही रहेगा. और अदरवाइज भी जो ये मसलिन क्लोथ है ये मतलब इतना पानी एब्जॉर्ब करते हैं कि बिल्कुल इतने से हो जाते हैं, तो स्पॉन्जिंग करना जैसे कि जब तक बेबी का जो कॉर्ड है वो गिरता नहीं है तब तक हमें सिर्फ अलाउड होता है कि हमें बेबी को स्पॉन्ज करना है, तो इससे या फिर वॉश क्लोथ से हम स्पॉन्ज कर सकते हैं. मूविंग ऑन टू नेक्स्ट प्रोडक्ट विच इज दीज वाइप्स जो कि मदर्स वॉश ब्रांड से हैं और इसमें जैसे कि आप देख सकते हैं कि 99% वाटर है, ये एक्स्ट्रा जेंटल है बेबी के स्किन के लिए और एक्स्ट्रा थिक है. मतलब जो स्पेशली जैसे बेबी का जो शुरू का पूप होता है वो 3-4-5 डेज तक ब्लैक आता है, तो उसको क्लीन करना बहुत मुश्किल होता है अगर बहुत ज़्यादा वाटर नहीं होगा वाइप्स में या पतले वाइप्स होंगे तो उनका फटने का डर रहता है. और सबसे बड़ी बात 100% बायोडिग्रेडेबल है और नेचुरल और प्लांट फैब्रिक से ही बना हुआ है. अगेन ये भी हाइपो एलर्जिक है, डर्मेटोलॉजिकल टेस्टेड है, pH बैलेंस्ड है इसके अंदर और इसके अंदर 0% पैराबेन, एल्कोहल, सल्फेट, प्रेगनेंस, क्लोरीन, डाइज्ड कुछ भी नहीं है. और इसका भी इस टाइप से फ्लैप ऊपर हो जाता है आप यूज़ करके और फिर इसको बंद कर दो ताकि ये ड्राई ना हो वाइप्स. सो एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई है इस वाले इन सब चीज़ों के साथ, क्योंकि मैं पहली बार यूज़ में लेने वाली हूँ और मैंने यू नो बहुत सारी सर्च करके ये चीज़ें फाइनल करी है. तो जो नेक्स्ट प्रोडक्ट है वो ये लंगोट है, नैपीज़ है सुपर बॉटम ब्रांड से. इन दोनों बॉक्सेस के अंदर जो नैपीज़ है वो 5 kg तक के बेबी को आ जाएंगे और इसके अंदर 6 टोटल लंगोट है, 6 नैपीज़ है. क्रेडे के टाइम तो ऐसा था कि मैंने 24 लंगोट मंगाए थे, 24 लंगोट का सेट मंगाया था, क्योंकि क्रेडे डे टाइम में पूरा टाइम वो लंगोट में ही उसको मैंने 6 मंथ्स तक रखा था. सिर्फ नाइट में मसाज और नहलाने के बाद मैं उसको डायपर डालती थी और सुबह फिर जल्दी ही उतार देते थे उसका डायपर एंड देन पूरा दिन अगेन वो लंगोट में रहता था. बट इस बार क्योंकि मैं और मेरे हस्बैंड अकेले सब चीज़ देखने वाले हैं तो इस टाइम मैं दिन में भी काफ़ी टाइम बेबी को डायपर्स में रखने वाली हूँ और ऑब्वियसली डायपर फ्री टाइम के लिए तो आपको लंगोट चाहिए थी, तो उसके लिए मैंने ये 9 लंगोट मंगाए हैं. तो जिनके प्रिंट्स कुछ इस टाइप से हैं और ये ऑलरेडी नैपीज जो लंगोट है ये मैं यूज़ कर चुकी हूँ, मतलब हमारी नीस के ऊपर हम यूज़ कर रहे थे और ये ड्राई फील नैपीज है, मतलब बेबी अगर पी कर देता है तो उसको अंदर से सुसु का ज़्यादा पता नहीं चलता है बट बाहर से ये नैपी गीली हो जाती है. ये 1 pea ही इसमें होल्ड कर सकता है. जो 3-7 kg बेबी के लिए लंगोट है वो कुछ इस कलर में है जिसपे डोनट बना हुआ है, आइसक्रीम बना हुआ है और ये वाइट कलर का है. और जहाँ डिस्पोजेबल डायपर्स की बात हो रही है तो इस बार मैंने ममा अर्थ के डायपर्स मंगाए हैं. दीज आर इंडियाज फर्स्ट मेड सेफ सर्टिफाइड प्लांट बेस्ड डायपर. ये एक प्लांट बेस्ड डायपर है, ये क्लेम करता है कि इसकी जो लेयर है वो काफ़ी कॉटन सॉफ्ट लेयर है एंड हाइपो एलर्जिक है. बेबी की सेंसिटिव स्किन के लिए स्पेशली दीज आर मेड और इट गिव्स 12 आवर्स ऑफ लीकेज प्रोटेक्शन ऐसा ये बोलता है, तो मतलब रात के लिए तो आप आराम से इसको यूज़ कर सकते हो. सो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट प्रोडक्ट जो कि बेस्ट है, ये 0-1 month के बेबी के लिए बेस्ट है और ये टोटल 6 इन नंबर है बिकॉज अभी जैसे कि मैंने बताया कि मेरी नीस मेरे पास रह रही थी, उसके लिए हमने 3 ऑर्डर करी थी बट वो 3 कम पड़ती थी क्योंकि कई बार बेबी स्पिट अप कर देता है तो हमें दिन में 2-2 बार भी चेंज करना पड़ता है, तो इसलिए ये मैंने अभी 6 ऑर्डर करी है. ये 1 या 1.5-2 महीने तक के बच्चे को ही आएंगी ये वाली जो वेस्ट है. और वेस्ट लेना बहुत 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 ज़रूरी होता है, बेबी का चेस्ट जो है हमेशा कवर्ड रहना चाहिए, वो समर्स हो चाहे विंटर्स हो. और मेरा बेबी तो वैसे भी अभी मानसून में आने वाला है तो थोड़ा सा उसके लिए टेम्परेचर यू नो ठंडा ही रहेगा. सो ये सब चीज़ें मैंने अभी तक जितनी भी आपको दिखाई हैं सब मैंने अमेजोन से मंगाई हैं. तो ये कुछ इस कलर की वेस्ट हैं जो आप देख सकते हो. तो ये 6 वेस्ट हैं, काफ़ी सॉफ्ट हैं ये वेस्ट और सेम ब्रांड से ही मैंने मेरी नीस के लिए भी मंगाई थी, तो अच्छी ब्रांड है ये. सो नेक्स्ट मैंने ये ऑर्डर किया था अमेजोन से, ड्राई शीट्स ऑर्डर करी थी ये वाली. बे बी करके ब्रांड है जहाँ से मैंने ये ड्राई शीट्स ऑर्डर करी है. तो 2 ऑर्डर करी है ऑब्वियसली क्योंकि कई बार बच्चा पूप कर देता है तो यू हैव टू वॉश द ड्राई शीट. ये मैंने वाइट कलर की करी है कॉट के मैट्रेस के लिए
और ये कुछ इस टाइप की है। मीडियम साइज में मैंने करी थी क्योंकि एल साइज में मेरे पास एक ठीक ठाक पड़ी हुई है क्लिनिक टाइम की। एक तो परमानेंट कॉर्ड पे बिछी ही रहेगी, उसके बाद दूसरा मैंने इसलिए मंगाई थी कि कभी कभी जैसे डायपर फ्री टाइम हम बेबी को छोड़ेंगे तो तब भी आपको ड्राई शीट चाहिए होगी। ऑब्वियसली आप इसके ऊपर डायरेक्टली बेबी को कभी भी मत सुलाना, इसके ऊपर एक कॉटन शीट को ज़रूर यूज़ करना क्योंकि ये थोड़ा सा यू नो अनकम्फर्टेबल रहेगा बेबी के लिए। उसके लिए भी मैंने आपको पहले दिखाया है कि मैं अपने ही घर से बेडशीट्स निकाल के मैं बेबी के लिए गद्दी बनवा चुकी हूँ जो कि कुछ इस टाइप की हैं। तो आराम से इस कॉटन गद्दी को जो है हम इस पे ड्राई शीट पे बिछा के बेबी को डायपर फ्री टाइम दे सकते हैं और मालिश के लिए बहुत चीज़ों के लिए बेसिकली ये गद्दियाँ जो हैं काम आती ही आती हैं। थोड़ी सी मैंने मैट्स और मंगाई थी बेबी के लिए जिसपे ऑलरेडी यू नो कॉटन लेयर है, मतलब यहाँ पे कॉटन है और नीचे से ये प्लास्टिक है। एंड दीज आर सो फैंसी कि अगर आप ट्रैवलिंग कर रहे हो तो ऑब्वियसली आप दो दो चीज़ें नहीं कैरी करोगे, तो आप ये कैरी कर सकते हो। और नेक्स्ट प्रोडक्ट जो है वो ये बॉटल है जो कि पिजन ब्रांड की ग्लास बॉटल है। एक्सक्लूसिवली 6 months तक ब्रेस्ट मिल्क पे था एंड देन मैंने कंटिन्यू करी थी अपनी ब्रेस्ट फीडिंग जर्नी 2 years तक। तो शुरू के जो 2 महीने थे उसमें मैंने हृदय को 4 times मिल्क पंप करके देती थी। तो उस टाइम मैंने फिलिप ओवेंस का मैनुअल वाला जो पंप था वो ऑर्डर किया था, तो उसके साथ जो बॉटल आती थी वो ही काम में लेती थी, बट दैट वाज अ प्लास्टिक बॉटल। इस बार मैं प्लास्टिक बॉटल यूज़ नहीं करना चाहती थी इसलिए मैंने ग्लास बॉटल टाइम से ऑर्डर करी है। तो ये 2 bottles वो मैंने मंगाई हैं और इसमें 4 months प्लस का निप्पल है, बट मैंने स्मॉल साइज मतलब 0+ month के निप्पल्स भी मंगा लिए हैं। तो ये बॉटल का जो ग्लास है वो काफ़ी थिक है और अगर ये मोटे कवर में आपने रखा हुआ है तो इजिली ये गिरने के बाद टूटता भी नहीं है। मैंने खरीदे के टाइम में काम में लेके देखी हुई है, बॉटल बहुत ही अच्छी है। टॉकिंग अबाउट ब्रेस्ट पम्प, खरीदे के टाइम तो मैंने फिलिप्स अवेंट का मैनुअल वाला जो ब्रेस्ट पम्प था वो काम में लिया था विच वॉज अराउंड 2500, बट इस बार मैं इलेक्ट्रिक ब्रेस्ट पंप मंगा रही हूँ लव लैब का विच इज़ ऑन द वे, तो दैट इज़ अराउंड 2900 समथिंग का है वो। मैनुअल में ऐसे आप जैसे स्क्वीज करते हो मिल्क तो हाथ बहुत दर्द हो जाता था, तो इस बार मैंने कहा कि जब रेट्स ऑलमोस्ट सिमिलर है तो फिर इलेक्ट्रिक ब्रेस्ट पंप ही ऑर्डर किया है मैंने जो कि ऑलरेडी मेरी सिस्टर इन लॉ भी यूज में ले रही हैं एंड इट इज़ वेरी नाइस। और ये मैं फर्स्ट क्राई का यहाँ पे जो लोकल शोरूम है वहाँ से लेके आई हूँ। ये 1000 तक का बॉटल वार्मर है और बॉटल स्टेलाइज भी इसमें आप कर सकते हो, दोनों चीज़ कर सकते हो, बट बॉटल वार्मर मैंने इसलिए लिया है कि जैसे हम दूध पंप करके रखते हैं तो रूम टेम्परेचर पे आप 4 hours तक मिल्क को रख सकते हो समर्स में, और अगर थोड़ा सा ठंडा मौसम है तो 4 to 6 hours आप आराम से रूम टेम्परेचर पे मिल्क को रख सकते हो। बट जैसे हम पीडियाट्रिशियन के पास गए थे तो उन्होंने कहा कि यू नो आप 4 घंटे बाद वो दूध दे रहे हो तो वो दूध जैसे डायरेक्टली हम पिला रहे हैं तो वार्म होता है मिल्क, बट अगर 4 घंटे बॉटल में रखा हुआ दूध आप पिला रहे हो बेबी को जो कि ख़राब नहीं हुआ है, बट अगेन आपका ब्रेस्ट मिल्क ही है पम्प्ड मिल्क है बट वो थोड़ा सा ठंडा हो जाता है, तो इसलिए ये बॉटल वार्मर मैंने मंगाया है कि जैसे कि 3-4 hours हो गया है मिल्क को मेरे को पम्प किए हुए एंड मैं सो रही हूँ और अगर दीप को दूध पिलाना है या किसी को भी दूध पिलाना है पम्प्ड मिल्क, तो इस बॉटल वार्मर में वो मिल्क को हल्का सा ल्यूक वार्म करके एंड देन वो बेबी को दे सकते हैं। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट प्रोडक्ट विच इज़ अ डायपर बैग जो कि आपको कुछ इस टाइप से दिख रहा होगा। ये भी मैंने अमेजोन से ऑर्डर किया है और एग्जैक्टली सेम डायपर बैग मैंने खरीदे के टाइम ऑर्डर किया था जिसका जो ये लाइनिंग है वो पिंक कलर का था, बस इतना ही डिफरेंस था। और ये डायपर बैग मेरा 2-3 साल आराम से चला है तो इसलिए इस बार भी मैंने यही मंगाया है क्योंकि एक बार आपने चीज़ को यूज़ की हुई हो ना तो आपको पता होता कि वो कितनी यूजफुल थी उस टाइम पे, इसलिए मैंने यही ऑर्डर किया है। दो मेरे पास एक और डायपर बैग था लव लैब कंपनी का ही जो कि जनरली लोग आजकल ये यूज़ करते हैं, तो खरीदे के लिए मैं ये यूज़ करती हूँ क्योंकि खरीदे के लिए अभी सामान कम आता है, वो थोड़े से स्नैक्स थोड़े से एक्स्ट्रा कपड़े बेसिक और कुछ एसेंशियल्स मेडिसिन वगैरह वो सब चीज़ें अभी भी मैं रखती हूँ, तो खरीदे के लिए मैं यही काम में लेने वाली हूँ। बट अभी न्यूबॉर्न के लिए मैंने ये बैग ऑर्डर किया है जिसमें यहाँ पे पॉकेट है, यहाँ पे पॉकेट है, यहाँ पे बड़ी पॉकेट है एंड यू नो अंदर काफ़ी स्पेशियस है ये, तो इसको छोड़ के यहाँ पे पॉकेट है इसमें और यहाँ पे चेन वाली लंबी सी पॉकेट है, आगे भी पॉकेट्स है इसमें, यहाँ पे है और यहाँ पे, तो ये ढेर सारी पॉकेट्स ना बहुत छोटी छोटी चीज़ें रखने के काम आती हैं। मैंने खरीदे के टाइम पे एक डायपर बैग की वीडियो भी बनाई थी जो मैंने अभी तक अपलोड नहीं करी, अगर मुझे टाइम मिला तो मैं ज़रूर आप लोगों के साथ वो वीडियो शेयर करूँगी, उसमें मेरे को थोड़ा ऑडियो का काम करना है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट बेबी के लिए जो प्रोडक्ट्स मैं काम में लेने वाली हूँ वो सारे प्रोडक्ट्स मैं सेवा मेड के ही काम में लेने वाली हूँ। मैं अभी जैसे अपनी नीज़ को पीडियाट्रिशियन के पास लेके गई तो डॉक्टर ने सेवा मेड के ही प्रोडक्ट्स जो हैं रिकमेंड करे कि यू नो कोई भी उन्हें आज तक कंप्लेंट नहीं मिली है सेवा मेड के प्रोडक्ट्स के साथ। और खरीदे के टाइम पे भी जो मेरी गायनेकोलॉजिस्ट थी शी वॉज माई वेरी क्लोज फ्रेंड और उन्होंने भी मुझे सेवा मेड के प्रोडक्ट्स ही काम में लेने को बोले थे, और मैंने 1 साल तक कॉन्टिन्यूस खरीदे के लिए सेवा मेड के प्रोडक्ट्स ही यूज में लिए थे। सेवा मेड एक जर्मन ब्रांड है। एक मैंने ये चिल्ड्रन शैम्पू लिया है, फिर मैंने बॉडी लोशन लिया है, उसके बाद जेंटल वॉश लिया है बेबी का, डायपर रैश क्रीम लिया है। इस डायपर रैश क्रीम से अच्छी क्रीम आपको मार्केट में कहीं नहीं मिल सकती है, मैं आपको बार बार बता रही हूँ कि ये कोई स्पॉन्सर वीडियो नहीं है, ये सबसे बेस्ट क्रीम है मार्केट में, इससे अच्छी क्रीम डायपर रैश क्रीम आपको कहीं नहीं मिलने वाली है।
एटलीस्ट आप इसको तो ट्राई करके देख सकते हो अगर आपको दूसरी चीज़ें नहीं काम में लेनी है तो. तो मैंने हॉस्पिटल पर्पज के लिए छोटे छोटे पैक्स भी काम में लिए हैं जो कि कुछ इस टाइप के हैं. ये वॉश हो गया, ये चिल्ड्रन शैम्पू हो गया, यू नो टाइप ऑफ एक्ल. कभी अगर आप ट्रैवल भी करते हो तो आप इतनी चीज़ें बड़ी काम में नहीं लेके ट्रैवल कर सकते हो, तो इसलिए मैंने ये छोटी छोटी चीज़ें बेसिक जो है वो काम में ली हैं. और ये छोटा सा बेबी लोशन है. तो ये चीज़ें आराम से आपके डायपर बैग में आ जाती हैं और कैरी करने में भी इजी रहती हैं. और ये बेबी के क्लोथ धोने के लिए मैंने ये मामा अर्थ का जो है ये वॉश मंगाया है. तो मामा अर्थ की मैं को इसलिए काफ़ी चीज़ें अच्छी लगती है क्योंकि ये प्लांट बेस्ड हैं, तो इसके अंदर भी कोई भी ब्लीच नहीं है और ऑप्टिकल ब्राइटनर्स नहीं है, फोम बूस्टर्स नहीं है, फॉस्फेट नहीं है, SLS, SLES ये सब चीज़ें बिल्कुल भी नहीं है. डर्माटोलॉजिकल टेस्टेड है, नेचुरल फॉर्मूला है और बायो एंजाइम्स है इसके अंदर, एंटीबैक्टीरियल एजेंट्स हैं और 0+ मंथ मतलब न्यूबॉर्न के कपड़ों को आप आराम से इसके अंदर वॉश कर सकते हो बेफिक्र होके. तो सबसे एंड में जैसे कि मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि बेबी के कपड़े दिखाऊंगी वो मैंने कौन कौन से ऑर्डर करे. सबसे पहले मैंने ये मंगाया है रोमपर और इस टाइप का नीचे पजामी टाइप की है जिसमें पैर भी बेबी के ढके हुए रहेंगे और इसमें कैप है इस टाइप की. ये मैंने मदर केयर से लिया है यहीं पे लोकल शॉप में जाके और ये एग्जैक्टली न्यूबॉर्न साइज है. ये एक महीने के बाद बेबी को नहीं आएगा क्योंकि एग्जैक्टली सेम चीज़ मैंने अपनी नीस के लिए भी ली थी लाइट ग्रीन कलर में, तो वो भी 2-3 बार ही पहन पाई. तो हो सकता है मैं बेबी को जब घर लेके आऊँ तो इसी में ही लेके आऊँ. इसके बाद अगेन मदर केयर से फिर मैंने 2 स्लीपिंग सूट्स लिए थे जो कि कुछ इस कलर के थे. एक ही रेड कलर का है जिसमें आपको हैंड्स बेबी के रखने हैं तो आप ऐसे करके आराम से मिटन्स की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी और बेबी के हैंड्स जो है वो कवर हो जाएंगे, यहाँ पे पैर कवर हो जाएंगे. और ये स्लीपिंग सूट एग्जैक्टली ये भी न्यूबॉर्न साइज के बेबी को ही आएगा. और इसी स्लीपिंग सूट के साथ मैंने ये स्लीपिंग सूट लिया है. इस वाले स्लीपिंग सूट में भी अगेन ये मिटन का काम भी करेगा क्योंकि यहाँ से आप बेबी के हैंड्स जो है वो कवर कर सकते हो और आपको टीज जो है वो हैं तो बेबी के फीट भी आराम से कवर हो जाएंगे. और ये जो साइज़ है ये एग्जैक्टली न्यूबॉर्न साइज ही है. तो ये 3 चीज़ें जो हैं ये न्यूबॉर्न के लिए हैं और ये मैंने तीनों मदर केयर से लिए थे. मैंने 2 चीज़ें जो हैं वो अमेज़ोन से मंगाई थी जिसके कि रिव्यूज़ बहुत ज़्यादा अच्छे थे, तो इसलिए मैंने 2 स्लीपिंग सूट अमेज़ोन से मंगाए. एक स्लीपिंग सूट जो है वो कुछ इस टाइप का है जिसपे ये कुछ एनिमल बना हुआ है, आई डोंट नो क्या, बेयर बना हुआ है इस पर. तो इसका भी यही है, फुटीज़ तो कवर हो जाएंगी, बाकी इसमें वो हैंड्स नहीं कवर होंगे. बट अगेन थोड़े से मैंने मिटन्स मंगाए हैं, अगर ज़रूरत पड़ेगी तो वो मिटन्स काम में ले सकते हैं. और एक कुछ इस टाइप का था तो ये 1 या 2 महीने तक के बच्चा आराम से पहन सकता है. ये अब मैंने हॉपस्कॉच से थोड़े से कपड़े मंगाए थे, आपको पता है कि मुझे हॉपस्कॉच की चीज़ें कितनी ज़्यादा पसंद है. तो हॉपस्कॉच से भी मैंने ये स्लीपिंग सूट ही मंगाया था जो कि पिंक कलर का है और ये वही 0-1 मंथ जैसे कि आप देख सकते हैं कि न्यूबॉर्न बेबी के लिए हैं. और जो बाकी के कपड़े हैं वो मैंने 0-3 मंथ बेबी के लिए मंगाए हैं क्योंकि बेबी बहुत जल्दी ओवरग्रो हो जाते हैं और फिर वो चीज़ें इतनी काम में आती नहीं हैं. तो ये थोड़े से कपड़े और थोड़े से मैंने मेरे नीज़ के कपड़े रखे हैं जो वो अब 1 मंथ की अब हो गई है और उसको वो कपड़े नहीं आ रहे थे, तो उसके थोड़े से मैंने कपड़े रखे हैं वो काम में लेने वाली हूँ. तो ये बेसिकली 0-3 मंथ बेबी के लिए हैं. इस पर आप देख सकते हैं कप में बेयर है और बहुत ही सुंदर सा रोमपर है. इसमें नीचे फुटीज़ नहीं है बट इस टाइप का ओपन रोमपर है जो कि आप आराम से यहाँ पे डायपर चेंज कर सकते हो और बहुत ही क्यूट लगा था मुझे. और यहाँ पे भी बटन्स दिए हुए हैं और बटन्स भी अच्छी क्वालिटी की हैं. बमजी करके एक ब्रांड है वहाँ उसका है ये क्लोथ जो है. उसके बाद मैंने ये मंगाए हैं, अगेन दिस इज़ फॉर गर्ल, मतलब नीचे जो प्रोडक्ट डिटेल्स थे उसमें गर्ल के लिए था इसलिए ये मैंने मंगाया कि यूनिसेक्स रहेगा. तो ये भी 0-3 मंथ के लिए हैं और रोमपर स्टाइल में, नीचे पैर जो है वो बेबी के नहीं ढकेंगे. मुझे बहुत ही क्यूट लगा इसलिए मैंने मंगाया. और इसमें भी ऊपर बटन्स दिए हैं ताकि नेक पे से आराम से बेबी के ये मतलब आ जाए और नीचे से आप डायपर आराम से चेंज कर सकते हो यहाँ से. और एक और मैंने ये सेम अभी रोमपर मंगाया है, वही हॉपस्कॉच से है जो अगेन 0-3 मंथ बेबी के लिए है. वो कुछ इस टाइप का ज़ेब्रा प्रिंट है, येलो पे ज़ेब्रा प्रिंट है. ये 3 महीने तक के बच्चे को, इनफेक्ट 3.5 महीने तक के बच्चे को आराम से आएंगे. इसके ऊपर ये बिब भी है इसके साथ ही है जो कि अगेन बहुत ही क्यूट लगेगा. तो ये सारे जो है मैंने हॉपस्कॉच से, ये 3 जो थे रोमपर्स मैंने हॉपस्कॉच से मंगाए हैं. फिर जिन रोमपर्स में नीचे जैसे बूटीज़ नहीं है और आपको बेबी को रात को सुलाना है या फिर अगर टेम्परेचर बाई चांस ठंडा होकर जाता है तो उसके लिए मैंने ये बूटीज़ मंगा के ऑलरेडी रखी हैं. तो ये 2 बूटीज़ का सेट है. ये एक्चुअली मैंने प्री मेच्योर बेबी के हिसाब से मंगाए हैं क्योंकि बूटीज़ जो है ना फिर वो बहुत बड़े साइज़ के आते हैं और बेबी का जो पैर ना उसमें से निकल जाती है, तो इसलिए मैंने छोटे मंगाए हैं. भले ही बेबी 3 kg का हो तो आराम से ये ना बेबी पहनेगा 1-2 महीने, एटलीस्ट उसके पैर से निकलेंगे नहीं, इसलिए मैंने ये एक साइज़ छोटे मंगाए. तो मैंने व्हाइट ही मंगाई है यूनिसेक्स और ये मैंने हॉपस्कॉच से ही मंगाई ये भी. और इसके बाद मैंने, मेरे को एक और सेट बहुत अच्छा लगा था जो कि एक कैप का सेट है. इस पर लिटिल बॉस लिखा हुआ है और बो बना हुआ है,
तो अगेन ये भी यूनिसेक्स हैं. आप देख सकते हैं कि इसमें भी जो बूटीज़ है ना, वो देखो बूटीज़ कितने बड़े साइज़ की हैं. तो ये बूटीज़ जो है ना बेसिकली साल भर के बच्चे के पैर से भी निकलेंगी, तो इसलिए मैंने वो थोड़ी सी छोटी मंगाई हैं और ये थोड़े से बड़े मंगाए हैं कि बाद में भी काम आएंगे. और ये मिडन्स हैं इसके साथ, तो ये पूरा एक सेट था. अगेन ये मैंने हॉपस्कॉच से मंगाए हैं. उसके बाद मैंने अगेन एक न्यूबॉर्न के लिए प्री मैच्योर कैप मंगाया, क्योंकि बेबी का हेड जो है वो जैसे न्यूबॉर्न बेबी जो होता है उसका भी हेड छोटा होता है, तो कई बार उसको कैप्स भी ना ऐसे ढीली ढीली रहती हैं. तो इसलिए ये मैंने प्री मैच्योर बेबी का ही कैप मंगाया ताकि उसको फिट आए कैप. और कान अगर ढकने की जरूरत है, जैसे मॉनसून अभी भी स्टार्ट हो गया एक दो दिन से, मैं रहती भी पहाड़ी इलाके में हूँ तो हवा कानों में ना लगे, तो इसलिए मैंने ये कैप थोड़ी टाइट पर्पस वाले मंगाई है. और इसके बाद ये मैं फर्स्ट क्राई जब लोकल शोरूम मैंने विजिट किया था तो ये मैं वहाँ से लेके आई थी, जो कि कुछ इस टाइप से कैप है और आगे इसमें बूटीज और मिटन दोनों हैं. तो ये भी एक सेट है, ये एक महीने के बेबी को आराम से आ जाएगा. फिर मैंने बेबी के एक ही सॉक्स मंगाए थे, जो सबसे पहले आए गए मैंने यही चीज़ मंगाई थी. आई भी कुछ इस टाइप की प्लास्टिक की, उसमें ना कि ऐसा लगता सही में बेबी के फीट है जैसे. तो ये सॉक्स हैं जो कि अगेन न्यूबॉर्न के लिए हैं. तो ये एक ही पेयर मैंने मंगाया, क्योंकि जनरली सारे स्लीपिंग सूट्स में बूटीज़ हैं, अदरवाइज मैंने बूटीज़ मंगा भी ली हैं, तो सॉक्स इसलिए मैंने अभी एक ही मंगाई है. तो एक चीज़ रह गई थी जो कि अगेन बहुत ही ज़रूरी चीज़ है, बेबी की ग्रूमिंग किट. एक्चुअली में ये भी पैक थी, बड़े सब जो कवर है खरीदने फाड़ दिया, तो इसलिए बार बार गिरे जा रही है. सो ये मैंने लवलैप ब्रांड से ही मंगाई हैं, और ग्रूमिंग किट बहुत ज़्यादा काम आती है. खरीदने के टाइम जो एंड टाइम पे दी ग्रूमिंग किट लेके आए थे, वो ऑब्वियसली अब वहाँ तो चेक करती हूँ, घर आके जब देखा तो नेल कटर से क्लिप हो ही नहीं जाता नेल. तो खरीदने के टाइम में जो नेल्स हैं उसके वो अपने दांतों से ही कट करती थी, बट इस पर मैंने ये ग्रूमिंग किट टाइम से मंगा ली है. और अपनी नीज के भी मैं नेल्स कट कर रही थी, तो उसके बाद भी सेम ब्रांड के ही हैं, तो आराम से कट हो रहे थे. इसके अंदर एक सीजर है, नेल कटर है और फाइलर है, और ये कुछ पिक करने के लिए आएगा, स्नोज पिक करने के लिए क्या, क्योंकि न्यूबॉर्न के आपको पता है कि जो नेल्स है वो बहुत जल्दी जल्दी बढ़ते हैं, बेबी अपने को स्क्रैच कर लेते हैं. मिटन्स में आप पूरा टाइम नहीं पहना के रख सकते बेबीज को, क्योंकि डॉक्टर्स का ऐसा बोलना है कि बेबी जब अपने फेस को टच करता है ना, तो उसको सेंसेस का पता चलता है, ब्रेन एक्सरसाइज काइंड ऑफ होता है, तो दैट ऑल्सो कम्स इन स्किल्स एंड ऑल. तो इसलिए पूरा टाइम भी मिटन्स नहीं पहना के रखने चाहिए. तो इसलिए जब मिटन्स नहीं पहने और अगर नेल्स पड़े तो बेबी बहुत स्क्रैच करते हैं अपने फेस को, तो ये ग्रूमिंग किट बहुत ही असेंशियल है, क्योंकि हर दो दिन बाद आपको बेबी के नेल्स कट करने ही पड़ते हैं. ये सारी चीज़ें असेंशियल हैं मेरे हिसाब से, जो खरीदे के टाइम काम में आई, जो मेरे अभी नेल्स के टाइम काम में, और जितने भी मेरे एक्सपीरियंसेस थे उसके हिसाब से मैंने मंगा के ऑलरेडी रख लिए, ताकि एंड टाइम पे यू नो भागना ना पड़े दीप और मेरे को, क्योंकि हम दोनों बिजी हो जाएंगे न्यूबॉर्न का ध्यान रखने के लिए. तो इसलिए मैं पहले से ही ऑलरेडी बहुत ज़्यादा प्रिपेयर्ड हूँ. ऑब्वियसली इसमें से ऑलमोस्ट 1/4 जाएगा हॉस्पिटल बैग में, बेबी के हॉस्पिटल बैग में. वो वीडियो भी मैं आप लोगों के साथ जल्दी ही शेयर करने वाली हूँ. ये वीडियो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा बड़ी हो गई है, तो इसको जल्दी से अभी बंद करते हैं. एंड आई होप कि आपको ये वीडियो जो है बहुत ज़्यादा यूज़फुल लगी होगी. और कोई भी क्वेरीज हैं तो यू कैन आस्क मी इन द कॉमेंट सेक्शन या फिर इंस्टा पे आकर. और आई रियली होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी, और अच्छी लगी है देन प्लीज़ हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड शेयर इट विद फैमिली एंड फ्रेंड्स. मीट यू इन द नेक्स्ट वन. टिल देन, बाय.